देश की अपनी लखटकिया कार अब इलेक्ट्रिक अवतार में आ चुकी है, जिसको देखने के साथ ही रतन टाटा बेहद खुश हुए हैं। स्वदेशी कार निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने जब कुछ सालों पहले भारतीय बाजार में अपनी लखटकिया कार टाटा नैनो लॉन्च की थी, तो ऑटोमोबाइल में तूफान सा गया था। हर किसी की जुबान पर बस टाटा नैनो का ही नाम था। फिलहाल कंपनी ने अब इसका प्रोडक्शन तो बंद कर दिया है, लेकिन अब पुणे की कंपनी इलेक्ट्रा ईवी ने टाटा की इस छोटी कार का इलेक्ट्रिक वेरिएंट तैयार किया है। हाल ही में टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा ने भी टाटा नैनो ईवी का सफर किया। इलेक्ट्रा ईवी ने अपने लिंक्डइन पेज पर इस बेहद खास लम्हे की तस्वीरों को भी शेयर किया है। इस तस्वीर में रतन टाटा नैनो के बगल में खड़े नजर आ रहे हैं। फोटो में रतन टाटा के सहयोगी शांतनु नायडू भी नजर आ रहे हैं। इलेक्ट्रा ईवी के मुताबिक रतन टाटा को न सिर्फ नैनो का इलेक्ट्रिक वर्जन काफी पसंद आया है, बल्कि उन्होंने इस कार से सफर भी किया है। यह टीम इलेक्ट्रा ईवी के लिए मोमेंट ऑफ ट्रुथ है। जब हमारे फाउंडर ने कस्टम बिल्ट नैनो ईवी की सवारी की, जो इलेक्ट्रा ईवी के पावर ट्रेन पर तैयार है, हम रतन टाटा की नैनो ईवी डिलीवर कर रहे हैं और उनसे फीडबैक पाकर गौरव महसूस कर रहे हैं। बता दें कि इलेक्ट्रिकिया कार के इलेक्ट्रिक वर्जन की तो टाटा नैनो ईवी एक चार सीटर कार है, यानी कि इसमें एक साथ चार लोग सफर कर सकते हैं। यह कार सिंगल चार्ज पर करीब 160 किलोमीटर तक रेंज ऑफर करती है। यह कार 10 सेकेंड से कम समय में 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेने में भी सक्षम है। इस इलेक्ट्रिक कार में ज्यादा ईवी की तहत ही लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि अपने इलेक्ट्रिक अवतार में आई लखटकिया कार टाटा नैनो कितने में ऑन रोड पड़ेगी, इसकी कीमत का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। अब लोगों को इंतजार है कि रतन टाटा ने जिस तरीके से आम आदमी के घर पर टाटा नैनो पहुंचा करके लोगों के कार के सपने को पूरा किया, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार इलेक्ट्रिक कार भी उसी बजट में होगी जो कि आम लोगों की पहुँच में होगी। न्यूज़ 4 नेशन की रिपोर्ट।